नमस्कार दोस्तों, आप लोग के इस वीडियो में सात ऐसा लक्षण बताने वाले हैं जो कि फेफड़ों के कैंसर की ओर इशारा करता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग समझ सके। दोस्तों हर एक इंसान को जो है दो फेफड़े होते हैं। फेफड़े के जो काम होता है ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का भी काम करता है। दोस्तों फेफड़े का जो कैंसर है धूम्रपान करने से आपको फेफड़े का कैंसर होता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग में देखा गया है कि वो कोई भी नशा नहीं करते हैं, कोई भी धूम्रपान नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों को भी कैंसर हो जाते हैं। जानते हैं क्या होता है? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसी की वजह से उनका भी फेफड़े का कैंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह कभी ना कभी धुएं के चपेट में जरूर पड़े होंगे, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया और उनका फेफड़े का कैंसर हो जाता है। देखिए अगर आप धुआं भी अगर प्रवेश कर जा रहा है ना अंदर, जो देखते हैं बहुत ज्यादा लोग धुआं में ज्यादा रहता है, अगर धुआं में बहुत ज्यादा प्रवेश कर जा रहे हैं तो अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वह बैक्टीरिया को मार नहीं सकेगा, ठीक है, जिसकी वजह से फेफड़ा में कैंसर हो जाता है। इसलिए आपको इम्यून सिस्टम मजबूत बना के रखना चाहिए। आखिर दोस्तों धूम्रपान से कैंसर क्यों हो जाता है? देखिए दोस्तों हम लोग जब भी धूम्रपान करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो उसका जितना जो धुआं होता है फेफड़ा में जाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, यानी जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं उसको नष्ट कर देती है, जिसके वजह से आपको फेफड़ा में कैंसर होने लगती है। तो देखिए हम लोग का फेफड़ा में जो है ना कार्सिनोजेन नाम का पदार्थ होता है जो कि फेफड़ों को तेजी से कैंसर बढ़ाने का काम करने लगता है। ठीक है, कब करता है? जब हम लोग का शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और प्लस में फेफड़ों में जो कोशिकाओं नष्ट हो जाती है तो यह जो है कार्सिनोजेनस पदार्थ जो है तेजी से कैंसर को बढ़ाने लगता है, जिसके वजह से कैंसर होने लगती है। ठीक है दोस्तों, कैंसर का जो शुरुआती लक्षण है बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है, साफ पता नहीं चलता है, ठीक है, कि हमको कैंसर हुआ है। जब एडवांस लेवल पर जब पहुंच जाता है ना तब पता चलता है कि हमको भाई कैंसर हो गया। जब लक्षण दिखाई देने लगता है, डॉक्टर को इलाज कर रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तब लास्ट में डॉक्टर ये सब जांच करने लगते हैं तो कैंसर निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बार में पता नहीं चलता है। तो दोस्तों वह कौन कौन सा लक्षण है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों आप लोग से एक बात करना चाहते हैं, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन और सेलेक्ट कर लीजिएगा। सही वीडियो हम आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो लक्षण है खांसी आना। जी हाँ, अगर आपको खांसी आ रही है और वह खांसी आपको ठीक नहीं हो रही है तो यह लक्षण कैंसर का हो सकता है। खांसी के साथ खून आना यह भी एक लक्षण हो सकता है कैंसर का। सांस लेने में दिक्कत होना यह भी खांसी का लक्षण हो सकता है। छाती में दर्द होना यानी कि सीने में दर्द होना यह भी लक्षण हो सकता है। गला बैठ जाना यह भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। सीने में जो है बलगम जम जाना यह भी कैंसर का लक्षण आपको हो सकता है। और दोस्तों मेन जो आपका पॉइंट जो है वो आपको है वजन कम होते जाना। टीबी और कैंसर में वजन कम होते जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो अगर आपको इतना सारे लक्षण दिखे तो यह कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर बार बार खांसी हो रही, खांसी ठीक नहीं हो रही तो आप किसी डॉक्टर पर जाकर जरूर दिखाएं ताकि आपको समय से पहले इसको ठीक किया जा सकता है। देखिए डॉक्टर साहब लोग इसका इलाज करते क्या है, डॉक्टर साहब लोग आपको देखेंगे आप किस स्टेज में है। ठीक है, अगर आपको कैंसर है स्टेज में है, अगर 1-2 में है तो आपको इलाज करने लगेंगे तो कुछ साल तक में अंदर में ठीक हो जाता है। लेकिन वही एडवांस लेवल में पहुंच जाएगा तो आपको ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको समय से पहले अगर ये सब लक्षण दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। यह लक्षण आपको टीबी का भी हो सकता है। ठीक है, एक जो ही नहीं है कि कैंसर होगा तो यह लक्षण दिखाई देगा, टीबी के में भी यह लक्षण दिखाई देने लगती है। तो आप जाकर डॉक्टर से दिखाइए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ आपको टेस्ट करेंगे, इसके बाद दवा देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह क्या करिए, सुबह आप उठिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए। ठीक है, इससे भी आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए जय हिंद जय भारत। नए तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कॉमेंट बॉक्स में पूछिएगा।